रेलवे सुरक्षा बल ने ऑयल टैंकर से बचा हुआ डीजल चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में तीन आरोपितों से लगभग 170 लीटर डीजल यानी 17,000 रुपए का डीजल जब्त किया गया। देखिए, यहाँ पे बोरखेड़ी में ऑयल डिपो है जहाँ पे ऑयल टैंकर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमें यहाँ पे जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे जो खाली टैंकर्स हैं, जो टैंकर खाली हो जाते हैं उसके बाद उनमें जो रेसिडुअल तेल रहता है 5 से 10 लीटर एक वैगन में रहता है, उसको कुछ लोग चोरी करके और मार्केट में खुलेआम बेच रहे थे। तो इसके हमने एम्बुश चेक रखा था। कल हमारी जो क्राइम टीम है उसने रंगे हाथों तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। लगभग 170 लीटर तेल जब्त किया है जिसकी कीमत 17,000 के आसपास है। और इसमें अभी रिसीवर्स जो ये तेल खरीदते थे इनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। नहीं, जो इसमें आरोपी हैं, इसमें दो जो वहाँ पे पदस्थ रेलवे कर्मचारी हैं वो हैं जिनको पता रहता था कि कब रेक आ रहा है, कब जो है वो गुड्स वैगन जा रहा है वहाँ से। और एक जो है वो जो है वहाँ पे एक पास का मैकेनिक है जिस मैकेनिक की शॉप चलाता था और वो जो गाड़ियाँ मैकेनिक शॉप पे आती थी उनको ये तेल सप्लाई करता था चोरी से। जो भी जानकारी इसमें आती है आगे रिसीवर्स कौन कौन हैं उसके बेसिस पे इसमें अरेस्ट किए जाएंगे, चाहे वो सिटी में हो या रेलवे के प्रतिनिधि के पास हो।